हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं अपन वर्ग का पार्ट थ्री। ठीक है, इससे पहले मैंने वर्ग के दो वीडियो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक सारे फॉर्मूले निकालने सिखाए थे, सेकंड वाले में मैंने आपको क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण से जुड़े सवाल पढ़ाए थे, और आज पढ़ते हैं अपन उससे आगे की प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो वर्ग के नहीं देखे हो तो यहाँ पर आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करिए, पुराने वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्षेत्रफल की सीरीज। पहले मैंने पढ़ाया था आयत का टॉपिक, और अब पढ़ा रहा हूं वर्ग में। तो वर्ग का सवाल, तो तीसरे पार्ट का पहला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। यहां दे रखा है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ाने से उसका परिमाप 16 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में, इससे पहले जो आपने वीडियो पढ़ा है उसका लास्ट सवाल जो मैंने पढ़ाए थे वो क्या पढ़ाए थे कि 4 सेंटीमीटर भुजा बढ़ाने से क्षेत्रफल बढ़ रहा था, और इस बार मैं वीडियो में लेके आया हूं परिमाप बढ़ रहा है। अगर भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ाते हो तो परिमाप 16 बढ़ जाता है, तो बताओ वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा कितनी होगी। अब पॉइंट दिखाता हूं आपको, पहले सवाल तो चलो अपनी जगह एक चीज समझो, कोई भी वर्ग हो, ठीक है, अब उसके वर्ग की भुजा चाहे कितनी भी आ रही हो, जैसे मैं आपको सामने 2-4 वर्ग बना देता हूं, ये है, ठीक है, अब इसकी भुजा मान लो आप कि 2 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर, तो परिमाप कितना, 2 2 2 2 4 बार है, तो परिमाप कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ा दो, तो 4 सेंटीमीटर बढ़ा दो तो नई भुजा कितनी होगी दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, पहले 2 थी अब 6 हो गई, अब परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप इसका 6 6 6 4 बार, परिमाप कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। अब बताओ इसका परिमाप कितना बढ़ गया है, तो 8 से 24 हो गया है, 8 से 24 हुआ, मतलब इसका परिमाप कितना बढ़ गया दोस्तों, 16 सेंटीमीटर बढ़ गया है। क्लियर, इसका मतलब तो फिर वर्ग की भुजा कितनी हुई, 2 हुई, और नई वाली भुजा कितनी हुई, 6 हुई। लेकिन अभी तो देखो, अभी तो जादू दिखेगा कुछ यहां पे आपको, अगर मैं यहां से वर्ग की भुजा को 3 सेंटीमीटर लेता हूं, कितना दोस्तों 3 सेंटीमीटर, अब आगे 4 बढ़ा दो, तो 3 में 4 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब नए वर्ग की भुजा कितनी हुई दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो इसका परिमाप कितना हुआ, तो 3 अगर भुजा है तो इसका परिमाप 3 × कितनी बार 4, 3 × 4 कितना हो गया दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ये हुआ इसका परिमाप। इसके परिमाप की बात करें तो 7 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो इसका परिमाप 7 7 7 4 बार, 7 × 28 सेंटीमीटर। अब चेक करो दोस्तों, पहले परिमाप 12 था, अब परिमाप यहां से यहां 16 बढ़ चुका है, यहां पर 12 है तो अब यहां देखो आप 28 है, और यहां से यहां जाने पर कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा है। तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि भुजा कौन सी है, तो आपको मैं पॉइंट सिखा दूं, वर्ग की भुजा, तो वर्ग में भुजाएं स्क्वायर में साइड्स कितनी होती है, 4, अगर मैं 1 को 1 सेंटीमीटर बढ़ाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर ये बढ़ेगी, तो 1 सेंटीमीटर वो भी बढ़ेगी, 1 सेंटीमीटर ये भी बढ़ेगी, 1 सेंटीमीटर तो ये भी बढ़ेगी, इसका मतलब सब में 1 1 सेंटीमीटर तो एक्स्ट्रा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर ये कह रहा है कि भुजा को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया है, तो भुजाएं होती है 4, और हर एक को बढ़ाया आपने 4, तो 4 4 4 4 कितनी बार बढ़ेगा, 16 ही बढ़ेगी, चाहे भुजा कोई भी हो, चाहे भुजा कोई भी हो उसका परिमाप 16 ही बढ़ेगा। तो इसलिए ये पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा कितनी है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात नहीं की जा सकती, मतलब आंसर तो आ सकता है लेकिन हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या देंगे दोस्तों, अपन निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इसका आंसर आप क्या लोगे, क्योंकि हर जगह ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो एक नोट जरूर लिखना, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो और तैयारी कर रहे हो तो एक नोट लिखना, मैं लिखवा रहा हूं कि वर्ग की भुजा में, ठीक है, वर्ग की भुजा में जितने सेंटीमीटर या मीटर की वृद्धि करते हो या कमी करते हो, जितने सेंटीमीटर या मीटर की वृद्धि या कमी करते हो उसका परिमाप जो है, उसका परिमाप उसमें कितना बढ़ जाएगा, उस भुजा जितनी वृद्धि कमी आपने की है उसका 4 गुना, तो जितनी भी वृद्धि या आपने कमी कर रहे हो उसका 4 गुना परिमाप बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इस तरह के सवाल आए तो ध्यान रखना, 4 सेंटीमीटर बढ़ाया तो यहीं से आंसर डिसाइड हो चुका है कि 4 सेंटीमीटर बढ़ाया, 4 × 4 16 बढ़ गया। अगर मैं बोलता कि वर्ग की भुजा को 3 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, बताओ परिमाप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधा मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 3 सेंटीमीटर भुजा को क्या कर दिया है, कम,
अगर एक भुजा तीन कम हुई है तो चार भुजाएं होती है, सब तीन 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 कम हुई होगी, तो इसका मतलब परिमाप कितना कम हो जाएगा, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर परिमाप कम हो जाएगा। क्लियर है सबको पहला पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अब है वर्ग की भुजा 20% बढ़ाने से उसके परिमाप और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा या कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, मैंने पिछला जो वीडियो पढ़ाया था, मतलब वर्ग का कौन सा सेकंड पार्ट, ठीक है, वहां पर कुछ चीजें मैंने सिखाई थी, इसलिए आप पुराने वीडियो जरूर देखा करो ताकि आपका बेसिक कवर हो। तो मैंने पुराने वीडियो में एक चीज सिखाई थी जो वापस बता रहा हूं, देखना। वर्ग की भुजा में जो परिवर्तन होता है वो का वही परिवर्तन विकर्ण में भी होता है और वो का वही परिवर्तन परिमाप में भी होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ग की भुजा में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन विकर्ण में भी होता है और वही परिवर्तन परिमाप में भी होता है। अगर मैं बोलूं कि भुजा को आधा कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि इसका विकर्ण भी आधा हो जाएगा और इसका परिमाप भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भुजा को चार गुना कर दिया जाए तो विकर्ण भी चार गुना ही होगा और परिमाप भी चार गुना ही होगा। अगर हम बोलो कि भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो विकर्ण भी 10% कम होगा और परिमाप भी 10% ही कम होगा। अभी वाले सवाल में बोला है कि भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो भुजा अगर 20% बढ़ाओगे तो विकर्ण भी 20% बढ़ जाएगा और परिमाप भी 20% ही बढ़ेगा। मतलब परिमाप का आंसर तो डायरेक्ट आ चुका है, आपको कहीं बेसिक में जाके इन भुजा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। परिमाप में कितनी वृद्धि या कमी होगी तो परिमाप 20% बढ़ जाएगा। पहला आंसर तो आपका आ चुका है। ठीक है, ये बेसिक चीजें जरूर ध्यान रखो ताकि आपका एग्जाम में बहुत हेल्प हो। तो ये परिवर्तन जो होता है तीनों में वो एक जैसा कब होता है, जब चीजों को गुणा में या भाग में की जाए, आधा कर दिया जाए मतलब भाग लगाया जाए या गुणा किया जाए या प्रतिशत में कुछ चेंजेस हो, तो वो तीनों में एक जैसे होते हैं। क्लियर। अब आते हैं क्षेत्रफल पे प्रभाव। जब आयत का टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको रेक्टेंगल का, तो आपको मैंने बोला था कि क्षेत्रफल चाहे कोई भी हो कितने भी हो, क्षेत्रफल पे प्रभाव का एक ही फॉर्मूला है जो सभी टॉपिक में काम आएगा, सब में वही आएगा, वो एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, 100 ± a × 100 ± b / 100 − 100। और इसी की जगह मैंने एक और बोला था कि इसका अगर भाग लगा दिया जाए तो एक और निकल के आता है ± a + ± b + ± a × b / 100। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं। इसमें कभी कभी ये प्लस माइनस वाली गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप पहला वाला यही फॉर्मूला लगा दिया करो, काम निकल जाएगा। ये बोल रहा है कि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दी जाए। अब ए और बी की जगह क्या लिखोगे, तो आयत में तो क्या था, ए की जगह आप लंबाई लिखते थे और बी की जगह आप चौड़ाई लिखते थे, क्योंकि क्षेत्रफल पे प्रभाव है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ काम आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, एक जगह लंबाई और एक जगह चौड़ाई होगी। लेकिन अभी अपने क्या है, वर्ग की भुजा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, पहले यहां पर भी भुजा लिखोगे और यहां पर भी भुजा लिखोगे कि उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, लेकिन लिखेंगे दोनों जगह और दोनों जगह सेम लिखेंगे। भुजा अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो 20% बढ़ा रहे थे, यहां पर भी मैं 20% बढ़ाऊंगा और यहां पर भी मैं 20% बढ़ाऊंगा, लेकिन बढ़ाऊंगा दोनों जगह। तो 20% भुजा बढ़ाएं तो 100 + 20 = 120 × 100 + 20 = 120 / 100। और दोस्तों ध्यान रखो, चीजें समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना जरूरी होता है, इसलिए बेसिक चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकाल के आओ, टाइम निकाल के जरूर पढ़ा करो। ऐसा नहीं भागते भागते आए और भागते भागते वापस निकल गए, तूफान कब आया ना कब गया पता नहीं चले। तो इसलिए ध्यान रखो, थोड़ा सा तूफान को रुकना चाहिए ताकि लोगों को एहसास हो कि क्या बात है, तूफान ही बहुत मजेदार था। ठीक है, माइनस का 100% ये हुआ। अब आगे, एक जीरो ऊपर एक जीरो ये और, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 12 × 12 = 144। और इसका आंसर भी ध्यान ना, ये प्रतिशत में आता है, अलग नहीं है, मतलब ये प्रतिशत ही होता है। तो 144% माइनस का 100%, 144% में से 100% माइनस करो तो कितना आया, 44%। और 44% किसका आ रहा दोस्तों, प्लस का आ रहा है, और प्लस आपको क्या बताएगा कि यहाँ पर क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और कितनी वृद्धि हुई है, 44% की वृद्धि हुई है।
तो क्षेत्रफल पे प्रभाव हमेशा जब भी निकालना पड़े तो क्या करना, आप क्षेत्रफल पे प्रभाव निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, चाहे टॉपिक कोई भी चल रहा हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, सब जगह एक ही फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आपने नहीं लिखा हो तो पहले आराम से लिख लो, ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि चीजों को नोट कर सको, नहीं तो मोबाइल को हमेशा स्क्रीनशॉट लिया करो ताकि आप इसकी पीडीएफ बना सको। चलिए अगला सवाल पढ़ाता हूं। यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, ठीक है, छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, और वैसे भी वर्ग है तो एक भुजा क्या हर भुजे हुई हो, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो है छोटा वाला, कैसे है, तो यहां से मैं बता दूं कैसे। यू मान लो एक वर्ग की भुजा इतनी सी है, ठीक है, और दूसरा वो कह रहा है कि 4 मीटर है, 4 मीटर मतलब मान लो ऐसे, तो उसके कहने का मतलब ये है कि ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर कितने आ सकते हैं ये पता करना है। तो ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर कितने आ सकते हैं ये पता करना है, तो क्या हुआ, संख्या निकालनी, और संख्या निकालना मतलब हुआ पत्थर या टाइल की संख्या। तो पत्थर या टाइल की संख्या निकालनी हो कि घर में कितने पत्थर लगा सकते हैं, कितने टाइल्स लगा सकते हैं फर्श पे, या यहां पर आते हैं कितने चौके लगा सकते हैं, ये सब सवाल एक जैसे होते हैं। पत्थर की संख्या निकालना, टाइल की संख्या निकालना, चौके की संख्या निकालना, या एक वर्ग में कितने वर्ग आ सकते हैं उसकी संख्या निकालना, ये सब एक ही सवाल होते हैं। अब ये आते हैं कि फिर इन सवाल को किया कैसे जाता है, तो इन सवाल को करने का तरीका, जब भी संख्या निकालनी हो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी सवाल में अगर आपको संख्या पूछ रहा है, कितने पत्थर, कितने टाइल, कितने वर्ग, कितने आयत, कुछ भी पूछे, तो हमेशा ध्यान रखना, एक सीधा बता रहा हूं, बड़े भाग का क्षेत्रफल, बड़े भाग का क्षेत्रफल हमेशा ऊपर रखो और छोटे भाग का क्षेत्रफल हमेशा नीचे रखो। लेकिन ध्यान रहे क्षेत्रफल, क्योंकि आप यू समझो घर में अगर टाइल्स लगानी है तो अपने जो ठेकेदार होते हैं जिनको अपन कॉन्ट्रेक्टर कहते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, तो वो देखते हैं सबसे पहले आपको टाइल्स कहाँ लगानी है, मतलब घर का फर्श कितना बड़ा है, और आप जो टाइल्स ला रहे हो वो कितनी बड़ी है, तो टाइल्स जो ला रहे हो वो कितनी बड़ी है, वो कितनी जगह घिरेगी, तो इसी को समझ लो कि पूरा फर्श है घर का, और वहां पर आपको इस साइज के टाइल्स लगानी है, तो ये टाइल्स कितनी जगह घेर रही है वो डिपेंड करता है कि टोटल कितनी यहाँ पर टाइल्स आने वाली है। तो इस सवाल में क्या है, बड़े भाग का क्षेत्रफल मतलब है कि जहां आपको टाइल्स लगानी उसका क्षेत्रफल, और छोटे भाग से मेरा मतलब है कि जो टाइल्स आप लगा रहे हो उसका क्षेत्रफल, मतलब एक टाइल या एक पत्थर, ये लिख देता हूं, एक पत्थर या एक टाइल उसका क्षेत्रफल यहाँ आएगा। तो अब वाले में देखो सवाल में, अब सवाल कह रहा है कि यहां पर 4 मीटर, ये बड़ा वाला हो गया, तो 4 मीटर भुजा है तो आप लिखोगे हमेशा क्षेत्रफल 4×4, और छोटा जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी, 1/10, 1/10, और इसका भी लिखोगे क्षेत्रफल, तो ये आएगा भुजा इंटू भुजा। अब क्या होता है, जब नीचे की तरफ दो संख्या हो तो नीचे ही नीचे वाली संख्या है कहां चली जाती है दोस्तों, ऊपर, तो नीचे ही नीचे वाली संख्या अगर ऊपर जाएगी तो 4×4 तो पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, और 10 और 10 नीचे जो है वो दोनों ही 10-10 कहां चले गए, ऊपर चले गए, तो यहां नीचे क्या बचा, फिर तो 1 और 1 ही बचा, और नीचे की तरफ 1 और 1 लिखो या नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो 4×4 कितना हो गया 16, और 10×10 कितना हो गया 100, तो इसका मतलब 4×4 16 और 10×10 100, मतलब हो गया 1600, और किसमें दे रखा है वो मीटर, तो मीटर से मीटर सब कट जाएगा। ध्यान रखना यहां कभी भी इकाई नहीं आएगी, दुकान पे अपन खरीदना चाहते हैं कि बताओ कितने पत्थर, तो वहां ये नहीं बोलते 1600 मीटर पत्थर, क्या बोलते हैं 1600 पत्थर, इसका मतलब कितने वर्ग समा सकते हैं, तो इसका आंसर कितना है दोस्तों 1600। क्लियर हुआ क्या बताया, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे दिया हुआ है दिए गए चित्र के अंदर की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो जो आपको चित्र दिया है उसके अंदर की आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो अंदर की आकृति का मतलब क्या हुआ, ये इस आकृति का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और यहां दे रखा है कि ये कितनी है, ये यहां लिखा हुआ है, आपको हल्का सा कम दिखाया गया यहां से, तो ये लिखा हुआ है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, मैं पूरा लिख के बता दूं, ये है 4 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की भुजा ये है कितनी 4 सेंटीमीटर, और ये जो है ये है इसका मिड पॉइंट, तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है सारे,
आपको पूछा है इसका क्षेत्रफल बताओ अंदर वाले का, एक बार आप ट्राई करो जल्दी से इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है ट्राई करो कितना आएगा, क्योंकि अंदर जो बन रहा वो भी क्या है स्क्वायर वर्ग ही बन रहा है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो अंदर वाले की आपको बस भुजा निकालनी है। अब इसकी भुजा कैसे आएगी, इतना तक काम आप कर लो, इसकी भुजा कितनी आएगी, तो दोस्तों इस वाले को एक छोटा सा टुकड़ा मैं साइड में लेके समझा देता हूं, ये वाला छोटा सा टुकड़ा, ठीक है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले के ये टुकड़ा मैं बाहर लाके आपको समझा रहा हूं। अब यहां पर भुजा है चार, तो समझो ये अगर मिड पॉइंट है तो इधर कितनी हुई दो, ये भी भुजा है चार तो ये दो तो ये भी दो, ये दो तो ये भी दो, इसका मतलब मैंने जो टुकड़ा बाहर लिया है उसमें ये वाली भुजा यहां से यहां तक वाली, यहां से यहां तक दो है और यहां से यहां तक ये भी कितनी हुई दो हुई। अगर ये दो है और ये दो है तो मैंने आपको आगे क्या सिखाए थे, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण सिखाए थे कि कभी भी लंब और आधार दोनों सेम हो तो उसका कर्ण कितना होता है, या आपने वर्ग का विकर्ण पढ़ा वो एक ही बात है, जब भी कभी लंब और आधार बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो तो हमेशा हाइपोटेनियस जो कर्ण होता है वो सेम हो कि वही भुजा और पीछे लग जाता है रूट दो, मतलब इसकी जो भुजा आई ये सॉरी विकर्ण जो आया वो विकर्ण कितना हुआ दो रूट दो। अब यही विकर्ण ये वाला मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, अब ये विकर्ण आप समझो कि ये विकर्ण आया है दो रूट दो, तो यही विकर्ण इस पूरे वर्ग के लिए किसका काम कर रहा है भुजा का, इसका मतलब इस अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी आई दो रूट दो आई, ये भुजा आ गई। अब क्या निकालना था अपन को क्षेत्रफल, कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे दोस्तों भुजा का स्क्वायर करेंगे, भुजा स्क्वायर तो भुजा कितनी आई दो रूट दो, और इसका करेंगे अपन स्क्वायर तो दो का स्क्वायर कितना आया चार, इसका स्क्वायर चार और रूट दो का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों दो आएगा, तो चार और दो चार इंटू दो कितना आया आठ, किसके अंदर दे रखा है सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आया आठ वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा सवाल था, तो छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान रखना विकर्ण कैसे आता है, चलो ठीक है। और मैं थोड़ा सा जल्दी मिटा देता हूं, आप ये जरूर नोट कर लिया करो या आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बार बार बोलना नहीं पड़े मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल, एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान, ठीक है तो इसका मतलब है कि 44,000 ये 44,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, तो ये 44,100 वर्ग मीटर मतलब ये क्षेत्रफल है, और किसका क्षेत्रफल है मतलब ये क्षेत्रफल है वर्ग का, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर है। अब किसका स्क्वायर है तो टुकड़े कर लो, देखो 441 अलग कर लो और दो जीरो अलग कर दो, अब दो जीरो का आंसर कितना आया दोस्तों, तो दो जीरो का आंसर आता है एक जीरो, और 441 किसका स्क्वायर है वो तो आपको पता ही है, आप सबको याद ही इतना, तो 441 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 210 का, मतलब 441 होता है 21 का और दो जीरो के कारण लग गई एक जीरो, तो यहां की भुजा साइड कितनी आ गई 210। क्लियर, अब देखो आगे सवाल, 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ लगाने के लिए, बाड़ के लिए, अच्छा बाड़ मतलब वो पानी वाली वो बाड़ नहीं, ठीक है बाड़ मतलब है कौन सी फेंस लगाने के लिए, ये रहा ठीक है फेंस, तो फेंस लगानी है मतलब बाउंड्री है, तो बाड़ लगाने कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी, कितने मीटर मतलब आपको सिर्फ ये पता करना है कि यहां से यहां तक जो आप बाड़ बना रहे हो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये तो भाई आपको भुजा पता है तो लंबाई तो आ जाएगी, तो भुजा कितनी, भुजा आपको पता चल गई 210 है, जब भुजा पता है तो फिर परिमाप बाउंड्री, परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग, और चारों भुजाओं का योग करो तो 210 जैसी टोटल चार भुजाएं हैं, तो चार का गुणा कर लो, चार का गुणा किया तो कितना आया दोस्तों 840, और सवाल किस में चल रहा है मीटर में, तो 840 भी क्या आएगा मीटर आएगा। क्लियर, इतना सा एक लाइन का सवाल था, ये है 840 कौन सा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, आ गया होगा सबको समझ में, करना क्या है क्षेत्रफल दे रखा था भुजा निकालनी थी और भुजा से परिमाप निकालना था, हो गया परिमाप। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, ठीक है 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण, तो इसका मतलब है कि इसका विकर्ण आपको दे रखा है और वो दे रखा है कितना
तो विकर्ण, इसका विकर्ण दे रखा है आपको चार रूट दो वर्ग, सॉरी चार रूट दो सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण, तो एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, निम्न है, मतलब वो आपको विकर्ण पूछ रहा है। तो यहां से एक सेकंड, एक और है ये ले लिया मैंने यहां पे। अब क्या बोल रहा है कि इसका विकर्ण बताओ आप, तो कि इसका विकर्ण क्या होगा, मतलब अरे ये ठीक है, इसका विकर्ण पूछ रहा है कि इसका विकर्ण बताओ। और सवाल क्या है, किसी वर्ग का विकर्ण चार रूट दो है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, इसका क्षेत्रफल जो भी होगा उसका डबल ही है। तो पहले पता कर लो इसका क्षेत्रफल क्या है, और इसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, तो आप समझो ये विकर्ण दे रखा है। और आपको मैंने आगे से कंटिन्यू बताया है कि कभी भी विकर्ण में अगर रूट दो पीछे लगा हुआ है तो ये रूट दो तो सिर्फ फॉर्मूले का होता है, और बाकी जो जगह हो, बाकी जो संख्या होती है वो संख्या आपको क्या शो करती है, भुजा शो करती है, साइड कितनी है वो। तो ध्यान रखना विकर्ण में कभी भी, विकर्ण में जब भी कभी ये रूट दो लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि रूट दो तो फॉर्मूले का है, बाकी जो बची हुई है वो भुजा है। तो भुजा कितनी हो गई दोस्तों, चार। तो फिर इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, मतलब चार का स्क्वायर, और चार का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 16। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इससे डबल है, मतलब हुआ कि इसका क्षेत्रफल 16 का डबल कितना है दोस्तों, 32। कितना हुआ, 32। और अब आपसे पूछ रहा है फिर इसका विकर्ण बताओ कि इसका विकर्ण क्या होगा, तो किससे विकर्ण निकालना है, क्षेत्रफल से। और क्षेत्रफल से विकर्ण निकालने वाले सवाल अपन लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके थे, मैंने बोला था कि इसका हमेशा जुगाड़ से करना, कैसे, क्षेत्रफल और विकर्ण वाले सवाल का एक रिलेशन था, कौन सा जुगाड़ था रिलेशन, क्षेत्रफल आता है विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 से, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 से। क्षेत्रफल पता है तो विकर्ण ज्ञात करना हो, विकर्ण पता है और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, हमेशा ये फॉर्मूला यूज किया करो। अभी अपन को क्षेत्रफल पता है कि क्षेत्रफल 32 है, विकर्ण हमें नहीं पता, डायगोनल का डी लिखो या विकर्ण का वी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी का स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब 2 इधर क्रॉस में गुणा होने आएगा, 2 का क्रॉस में गुणा हुआ तो 64 आया, तो ये 64 आया और 64 बराबर वी स्क्वायर हुआ, तो वी स्क्वायर बराबर 64 है, तो इसका मतलब वी का मान कितना हुआ, तो विकर्ण का मान कितना आया दोस्तों, 8 आया। इसका विकर्ण कितना आया दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन, 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां पर सवाल बड़े नहीं है, सवाल को मेन होता है उन्हें समझा जाए ढंग से, तो सवाल इतना से छोटे छोटे सवाल ही है। क्लियर है, आगे बढ़े चलो और अगला देखते हैं। आगे दे रखा है दो वर्गों का परिमाप 24 मीटर और 32 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर ही है और 32 सेंटीमीटर है, तो 24 इसका परिमाप एक का और एक का क्या है 32, क्या है परिमाप, तो 24 सेंटीमीटर और ये है 32 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर अगर ये है तो इसकी भुजा कितनी हुई दोस्तों, तो 24 तो पूरा परिमाप है, तो 24 के चार टुकड़े कर दो, 24 के चार टुकड़े करोगे तो एक एक टुकड़ा आएगा 6-6 का, और ये है परिमाप कितना 32। अब तो आपको परिमाप सबको अच्छे से ध्यान होगा, परिमाप मतलब टोटल चार भुजाओं का योग 32 है, तो उन्हें टुकड़े कर दो वापस, तो 32 में किसका भार लगा दो, चार का, तो एक एक भुजा कितनी आई, 8-8 आई। अब आगे क्या बोल रहा है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग, ठीक है, इन जो भी आपने वर्ग दिए उनके क्षेत्रफलों का योग, तो एक बार अपन यही गाड़ी रोकते हैं, पहले क्षेत्रफल का कर लेते हैं। इसकी भुजा 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 आया, इसकी भुजा 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 आया, इनके क्षेत्रफलों का योग, तो इसके क्षेत्रफलों का योग करना है तो दोनों को प्लस करो 100 आया। क्लियर, यहां तक पहुंच गए, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले, इनका जो क्षेत्रफल का योग आ रहा है इसके बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो इसका मतलब है एक तीसरा वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्ग टोटल के बराबर है, मतलब इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर सॉरी, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बराबर है। अब समझो इसका अगर क्षेत्रफल 100 है तो 100 अगर क्षेत्रफल है तो 100 क्षेत्रफल होने का मतलब भुजा 10 हुई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इसका परिमाप क्या है, तो जब भुजा 10 है तो 10 होने पर
परिमाप कितना होगा, 10 10 4 बार होगा, और 10 10 को अगर अपन 4 बार लेंगे तो 10 10 को अगर 4 बार लेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आया, ये वाला। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर में ज्ञात करना, तो हम वैसे भी सेंटीमीटर में चल रहा है तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। क्लियर हुआ, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखा खंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, शानदार सवाल है। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब है कि यहाँ की भुजा कुछ और है और एक दूसरे की भुजा कुछ और है, बस ये है रेखाखंड का मतलब। ठीक है, और दोनों के क्षेत्रफल में डिफरेंस कितना है, 32। तो क्षेत्रफल में डिफरेंस है 32, मतलब इसका क्षेत्रफल यूं मान लो बड़ा है, ये ज्यादा है और ये वाला छोटा है, तो दोनों में क्षेत्रफल में अंतर आया 32 का। तो बड़े खंड की लंबाई याद करो, बड़े खंड की लंबाई, बड़े खंड की लंबाई से मतलब है ये वाला, ये बड़ा खंड। ठीक है, बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखा खंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। एक रेखा खंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब ये अगर x है तो ये x प्लस 2 है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, ये सवाल कुछ नहीं हुआ है, ये सवाल सिर्फ घुमाया गया है। ये सवाल कौन सा है, पढ़ के आपको ध्यान आ गया होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सवाल शॉर्ट ट्रिक से सिखाए थे, याद आया कुछ, क्या हो रहा है। देखो, भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, राइट, भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल में 32 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। तो हो गया ना सवाल वही, क्षेत्रफल में 32 की वृद्धि और भुजा में 2 की वृद्धि। तो मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था कि ऐसे सवाल आने पर सीधा सीधा यूज करना क्या, कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। तो 2 सेंटीमीटर या मीटर आप भुजा बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल 32 बढ़ गया, इसका भार लगा दो, कितना है दोस्तों 16। और ये 16 किसका आंसर आता है, याद है आपको, नहीं याद है तो पुराना वीडियो जरूर देखना। ये होता है सीधा जुगाड़, और वो जुगाड़ होता है कि नई भुजा प्लस पुरानी भुजा। तो नई भुजा और पुरानी भुजा का आंसर 16 आ चुका है। और सवाल वाला कह रहा है कि नई भुजा जो है वो पुरानी से 2 सेंटीमीटर आपने बढ़ाई है, मतलब ये था, मैंने ऐसा पढ़ाया था आपको कि नई वाली और पुरानी वाली को 16 रुपए देने, आपको कितने रुपए देने दोस्तों 16 रुपए, और नई वाली कह रही है मुझे 2 रुपए ज्यादा देना। तो नई और पुरानी को मिलकर टोटल देना तो 16 ही है, लेकिन नई वाली को 2 ज्यादा देने, तो 16 में से 2 हटा दो, 16 में से 2 हटा दो, कि इसको दे दिया हमने 2 तो 2 हमारे कम पड़ गए, इसका मतलब अब कितने बचे 14, और 14 जो बचे उसका तो आधा आधा दोनों को दे दो अब, तो 14 का आधा आधा 7 इसको न 7 इसको, इसका मतलब नई वाली भुजा कितनी हो गई 9 और पुरानी भुजा कितनी हो गई 7। तो नया रेखाखंड का आंसर आया 9 और पुराने वाले का आंसर कितना आया 7। अब ये पूछ रहा क्या था, बड़े खंड की लंबाई ज्ञात करो, तो बड़े खंड की लंबाई कितनी हो गई दोस्तों 9 हो गई। आया समझ में, बहुत और बहुत ही शानदार सवाल है, लेकिन पहले डायरेक्ट दिया गया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो सवालों को पढ़ो और जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत ही सीधा सवाल है। और इस तरह के मैंने शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक के वीडियो भी डाल रखे हैं इस तरह के वीडियो, ये मतलब सवाल के, ताकि आप कैसा भी सवाल आ जाए आप सवाल पूरा कर सको। क्लियर, तो आज का वीडियो ये यहीं तक समाप्त होता है, ये था वर्ग का आपका तीसरा वीडियो, तीसरा पार्ट। ठीक है, अभी तो इसके और पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि अभी अपने और बड़े बड़े सवाल, अलग अलग एग्जाम के सवाल करने बाकी है, अभी तो शुरुआत है, मंजिल तो बहुत दूर है, और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते बस सफर का आनंद लीजिए आप तो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को दूसरों को लोगों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, सेम टाइम 9 बजे, तब तक जय हिंद। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि अभी जो है मैंने एक दूसरा, अपना जो दूसरा चैनल है मेरा, उस चैनल पे मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दी है, तो सोमवार से रीजनिंग स्टार्ट कर दी है। उधर अगर आपको रीजनिंग पढ़नी हो तो रीजनिंग का टाइम रहेगा दोस्तों 8 बजे का। रीजनिंग का टाइम कितने बजे, 8 बजे से रीजनिंग स्टार्ट होती है और 9 बजे से मैथ्स स्टार्ट होती है। तो उस चैनल पर 8 बजे से रीजनिंग पढ़ना चाहो तो उधर पढ़ सकते हो, और इस चैनल पे अब रहेगी मैथ्स। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।